कोई झटका नहीं है। वैसे भी रघुवंश बाबू का उम्र ज़्यादा हो गया है, मेरे दल में थे, हम लोग सम्मान करते थे उनको, ब्रह्म बाबा के नाम से जानते थे उनको। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो है वो खो गया है। रघुवंश बाबू के जाने से रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, इस कोई झटका नहीं लग रहा है सर। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, वो एक गार्जियन थे और उनकी मानसिक संतुलन अभी उम्र के हिसाब से ठीक पहले। जदयू की बात आप कर रहे हैं तो हमको तो यही लगता है कि अंधों के हाथ बटेर लग जाए, इसी तरह का ख्याल है। रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। राजद के लिए एक और बड़ा झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब जो है वो राजद से फाइनली उन्होंने इस्तीफे की बात कर दी है। एक चिट्ठी लिखा है उन्होंने रिम्स में भर्ती लालू यादव को, और उन्होंने साफ बेहद कम शब्दों में ये बयां कर दिया है कि 32 सालों से लालू यादव के पीछे वो खड़े थे लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। हम अभी मौजूद हैं पटना के राबड़ी आवास के बाहर, राबड़ी देवी के आवास के बाहर यहाँ खड़े हैं, और उनके कार्यकर्ता भी राजद के यहाँ पर काफ़ी संख्या में खड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे आरजेडी के हिस्सा, क्या लगता है आपको चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका? नहीं नहीं, ये कोई झटका नहीं है। वैसे भी रघुवंश बाबू का उम्र ज़्यादा हो गया है, मेरे दल में थे, हम लोग सम्मान करते थे उनको, ब्रह्म बाबा के नाम से जानते थे उनको। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो है वो खो गया है, जो चुनाव के समय में ऐसे निर्णय ले रहे हैं। नेता जा रहा है हमारे पार्टी से, कार्यकर्ता नहीं जा रहा, वोटर नहीं जा रहा। रघुवंश बाबू के जाने से रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे थे, मनाने का कोशिश किए होंगे आपके राष्ट्रीय? देखिए अब तो वो गार्जियन है पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी जो भी बात हुई हो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दल के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहाँ से आए हैं? मधुबनी हरलाखी से हैं हम। क्या नाम? विजय मार्शल। यहाँ मिलने हैं अपने राष्ट्रीय? जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लग रहा है। काफ़ी लंबे समय से रघुवंश प्रसाद सिंह जो हैं वो बीमार भी चल रहे थे और दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। पार्टी के उपाध्यक्ष पद से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने यहाँ पर जो पटना में तेजस्वी यादव हैं उनको उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखा है लंबे समय से, चूँकि वो आरजेडी के हिस्सा थे और लगातार अभी जो चुनाव का माहौल है तो दल का फेर बदल जो है वो लगातार जारी है। आरजेडी के कई नेता पहले भी आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू में चले गए थे, लेकिन अब जो फाइनल है अब जो है रघुवंश प्रसाद सिंह के रूप में जो है वो झटका लगा है आरजेडी को, और ये इनकी भी खबर आ रही है कि जेडीयू में जाने वाले हैं। तो एक लंबे पारी की जो है वो समाप्त। रघुवंश प्रसाद सिंह जो 32 साल से लगभग आरजेडी का हिस्सा बने थे अब वो आरजेडी के हिस्सा नहीं है, कितना बड़ा झटका लग रहा है? जी सर, रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी से यूं छोड़कर निकल कर बाहर चले जाना कितना बड़ा झटका लग रहा है सर? इस कोई झटका नहीं लग रहा है सर। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, वो एक गार्जियन थे और उनकी मानसिक संतुलन अभी उम्र के हिसाब से ठीक पहले इतने बड़े नेता जो 32 साल से आरजेडी के हिस्सा थे उनका यूं चला जाना सर की कोशिश नहीं की सर? राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता ने, हर एक लोग उनको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, तो उनसे हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के नेता जाता है। अचानक से उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा कर देना, देखिए वो सही होगा, लंबे समय से आरजेडी के हिस्सा थे वो। उम्र के हिसाब से हर एक लोगों का मानसिक संतुलन कुछ कम हो जाता है, उसी तरह रघुवंश बाबू के जी का उम्र हो चुका था, उनका मानसिक संतुलन में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए अभी इधर से इधर कर रहे हैं, फिर वापस पार्टी ही में रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से ये खुलासा नहीं किया गया है कि उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के तरफ से साफ बेहद कम शब्दों में ये कह दिया गया है कि अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जेडीयू को एक और मुद्दा मिल गया, कौन सी जो रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं? जेडीयू की बात आप कर रहे हैं तो हमको तो यही लगता है कि अंधों के हाथ बटेर लग जाए, इसी तरह का ख्याल है। जेडीयू को समझ में आ रहा है कि अंधों के हाथ बटेर लग गया, कई नेता पार्टी के पहले और रघुवंश जी रघुवंश सिंह की जो बात कर रहे हैं तो कल हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे लोग उनको आईसीयू में जाने के बाद दुखी थे,
अनायास आज किस तरह से रिपोर्ट उनका आ रहा है, क्या सच्चाई है, इस पर पार्टी के हाईकमान निर्णय लेंगे। रही बात कि अभी उनका स्टैंड खड़ा है, कहाँ तक ले सही है कहाँ तक ले गलत है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे लोग रघुवंश सिंह के सम्मान में हैं और उनका कोई विरोध नहीं है। पार्टी थोड़ा उनको निष्कासित किया है। कल उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर आप लोग चिंतित थे, आज भी हम लोग उनके स्टैंड को सही नहीं मानते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम तो लोग कहते हैं कि भाई वो स्वस्थ होकर आकर हम लोगों के साथ जुड़े और हम लोगों का पार्टी के लालू जी के बाद से सेकंड नेता थे, उनका सम्मान उसी तरह से बरकरार है। और जदयू बगहा से, बगहा पुलिस जिला के जिला अध्यक्ष पूर्व और प्रदेश महासचिव हैं। क्या कहेंगे आप, 32 सालों से एक लंबे पारी का अब अंत हो रहा है, 32 सालों से हिस्सा थे आरजेडी के। मैं यही कहूंगा रघुवंश बाबू से कि इस मतलब अंतिम दौर में देश की स्थिति जो भी है वो अच्छी तरह समझते हैं, ऐसी स्थिति में उनको ये पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और आज भी हम लोग आशा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आज जो देश की स्थिति है, एक सुशांत सिंह राजपूत एक व्यक्ति से देश के अर्थव्यवस्था को कितना असर पड़ता है। 44 पुलवामा में लोग सैनिक शहीद हो गए जिन्होंने देश की सेवा की, आज तक सीबीआई की जांच का आदेश उसके लिए नहीं हुआ। आरजेडी कैसा कमी खलेगी आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह की? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं होगी। हमारे नेता थे, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता सामान्य लोग सभी A to Z लोग हमारे साथ हैं, सभी दलित OBC SC ST सभी लोगों को सम्मान मिलता है। हमारी पार्टी 85% की पार्टी है, 15% की पार्टी नहीं है। जैसा कि आपने सुना, आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर अभी बने हुए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जो काफ़ी लंबे समय से आरजेडी का हिस्सा रहे हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर भी उनको कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर उन्होंने इस पार्टी के फाउंडर मेंबर भी वो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उस पद से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अभी काफ़ी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और नाराज़ भी चल रहे थे अपनी पार्टी से। अब अचानक से ये सामने आया है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बहुत ही कम शब्दों में एक पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि 32 सालों से मैं आरजेडी का एक हिस्सा था, लालू प्रसाद यादव के पीछे मैं खड़ा था, लेकिन अब आगे नहीं रहूंगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको मिलता रहेगा, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। सहयोगी शुभम कुमार के साथ पटना से मैं तनुज मासूम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।